अच्छी वाले पर आशा वर्कर पूर्ण रूप से अपना इन्होंने जोर दिखाया, दम दिखाया, संगठन दिखाया और मोनिका राणा का यहाँ इन्होंने पुतला फूका। आइए जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं, किन मांगों को लेकर ये दिल्ली सचिवालय पे आई हैं, इनका क्या काम है, हम इनसे खुद ही जानकारी लेते हैं। मैं PHC पालम डिस्पेंसरी से हूँ। क्या मांगे, किन मांगों को लेकर आई हैं? सर हमारी कोई मांगे नहीं है, हमारी सिर्फ दो ही मांगे हैं। एक हमें कोई मांग नहीं है, दो मांगे हैं। दो ही मांगे हैं हमारी, हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। आपको सरकारी क्यों घोषित कर दिया जाए? ऐसा आम आदमी भी कहेगा, मैं भी कहूँगा कि मुझे सरकारी घोषित किया जाए। क्यों सरकारी घोषित किया जाए आपको? सर हम लोगों को जो जितना भी काम होता है, हम सरकार का जितना भी मेन काम होता है हम लोग करते हैं, फैमिली प्लानिंग से लेके डिलीवरी से लेके इम्यूनाइजेशन से लेके हम ऑलमोस्ट सभी काम देखते हैं। हम रात हो चाहे दिन हो चाहे हम लोग बीमार हो, हम लोगों को जाना पड़ता है कॉल कर, और हम लोगों का इंसेंटिव पॉइंट्स के बिना पर बढ़ता है। अगर हम लोग 12 पॉइंट्स हम लोगों को दिए जाते हैं, 12 पॉइंट्स में से पूरे पोलियो को इस देश से पोलियो को लगभग आशा वर्करों ने ही ख़त्म किया है। और जो पॉपुलेशन का बात है, जहाँ पर पॉपुलेशन की बात आती है, तो हम आशा वर्कर ने ही पॉपुलेशन पे हद से ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। और सेकंड बात, आपसे अपने कंट्रोल किया, आम जनता में कंट्रोल करवाया, आम जनता में ही कंट्रोल करवाया है। और दूसरी बात, जो कि गर्भवती महिलाएं होम डिलीवरी करती थी और डेथ होती थी और बच्चे भी डेथ होते थे, उसको भी आशा वर्करों ने समाज से आमतौर पर कंट्रोल करा लिया है। अब बहुत ही कम तादाद में होम डिलीवरी होने देती है आशा, टाइम टू टाइम हॉस्पिटल पहुँचाती है।